तो नमस्कार मित्रों, की नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ राजघाट और नमो घाट। देखिए, इसमें राजघाट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू यहाँ पे रखा, यहाँ पे लाया गया है। पहले ये नमो घाट की तरफ था, बैसासुर घाट की तरफ था और ये यहाँ से फिर शिफ्ट किया गया था इसको अस्सी घाट से फिर हमको लग रहा है ये यहाँ पे आया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बाहर थे वो भी देख पाएंगे। तो सामने देख सकते हैं ये आपका सत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर। इसमें देखिए राजघाट पे मैं हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चल के आज साइड से चल के। ये सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू बनाया गया यहाँ पे। यहाँ से आपकी सेल्फी ले लूं? ये देखिए यहाँ से ये जय हिंद यहाँ पे लिखा है सुभाष। इसका ये क्या राज है कभी? एक मिनट, मेरा सवाल ये है, ये आपका परिचय क्या? मेरा यूट्यूब चैनल मतलब है यही है। आप रिकॉर्ड अभी? अच्छा, ये यूट्यूब है, यहाँ पे आप देखें, इसको स्कैन करें आप। जी, आपको एक क्यूआर कोड दिखे जी, उससे हमारी जितनी इनिशिएटिव्स हैं संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में जी, वो सारी इनिशिएटिव्स की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, हमारा जो ये कार्यक्रम था पहले हमारा राजघाट पे ही था। हमने सोचा था कि इसको सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के लिए ज्यादा अच्छा श्रद्धा सुमन जो अर्पित हम कर पाएंगे वो अस्सी घाट पे कर पाएंगे। अच्छा, तो हमने प्रशासन से ये बात करी कि हमें अस्सी घाट पे भी लगाने का ये दिया जी, परमिशन अनुमति दी जी। प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो उन्होंने सारी बातों को रखते, हमारे पास थोड़ा समय की भी कमी थी हमारे तरफ से जी, तो हमने प्रशासन के हिसाब से फिर उसको प्रशासन के अनुसार हमने उसको राजघाट पे स्थापित। अच्छा, ये परमानेंट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। जनवरी 2023 को पड़ रही है जी, उसमें पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, काफी अच्छा। गेट पे भी कर रहे हैं जी। इंडिया गेट पे भी आपको सेम जैन चौक मिलेगा। अच्छा, इंडिया गेट पे दिल्ली। अच्छा, थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं ये परमानेंट यहाँ पे हो गया आपका राजघाट पे। यहाँ पे कोई प्रोग्राम है क्या आज? कोई प्रोग्राम है क्या यहाँ पे? अच्छा, रिबन कटेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखिए छोटा सा यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। देख सकते हैं ये परमानेंट हो गया है। पहले बैसासुर घाट पे था, अस्सी घाट से इसको फाइनली इसका रिकॉर्ड मिल गया है और यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। जय हिंद पूरा देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है, मतलब पहले से बना के ये लाया गया है, इसको ऐसे स्थापित कर दिया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ साइड चल के। आज इसका उद्घाटन भी लग रहा है, रिबन कटेगा यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे मंच बनाया गया है, ये देखिए पूरा सब लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए जी, रिकॉर्डिंग तो अभी बंद है ना? बंद है। अस्सी घाट पे हमने लगाया नहीं था, वो जो इसकी जो मेजरमेंट लेनी थी ना जी, उसके लिए स्ट्रक्चर। अच्छा, तो वहाँ पे लगा नहीं था। लगा नहीं होता? नहीं, पढ़ा मैं था तो उसमें लिखा यही था कि वो मैसेज एक चला गया है, रात में ही मेजरमेंट लेके हटाना था। अच्छा, थोड़ा लेट हो गया था उसके। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये चीज। यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ आपको मैं इस साइड से भी। यहाँ से देखिए पूरा मैं आ गया हूँ नमो घाट पे, यानी पे नमो घाट है ये। और चल के ऊपर से आपको दिखाते हैं नमो घाट। काफी खूबसूरत घाट बना है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे संडे को, जैसे मेला लगता है ना वैसे यहाँ पे मेला लगता है, मतलब भीड़ को ही मैं कह रहा हूँ मेला। ये देखिए आप यहाँ से कितने खूबसूरत ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। और ये कमेंट में बताइए कितना खूबसूरत घाट बनाया गया ये। इसके ऊपर ट्रेन जा रही है, जैसे इसके बगल में सिग्नेचर ब्रिज बनने वाला है, अभी उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पाइलिंग की जा रही थी, लग रहा पाइलिंग हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे टिकट भी लगता है, मतलब टिकट बाइक स्टैंड का लगता है 20 रुपये, यानी 2 घंटे का, 4 पहिए का जाता है।
पहले यहाँ पे एंट्री फीस लगती थी, क्या बोलते हैं आपका, 10 रुपये लगता था, अब उसको हटा दिया गया है, पहले से ही हटा दिया गया। और यहाँ पे आपको हर जगह गार्ड मिलेंगे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं यहाँ पे। और इसकी लागत की बात है, 34 करोड़ की लागत से बनाया गया है घाट आपका। यहाँ पे योगा वगैरह सब कुछ होता है मॉर्निंग टाइम में। और यहाँ पे आपका CNG स्टेशन भी बनाया गया है वोट के लिए। देखिए वो भराने के लिए वोट आ रहे हैं ना वहाँ पे, वो जो मुझे दिखा दे रहा आपको, ये देखिए। रिफिल कराने के लिए आ रहा है। नगरों के लिए कृपया गंगा नदी में कूड़ा व पूजा सामग्री ना भेजें, काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा धूप पड़ रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा आपको। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका किड्स प्ले बनाया गया है, मतलब बच्चों के लिए। अभी इस समय लग रहा है सुबह का टाइमिंग, तभी बंद किया गया, लग रहा है शाम में खुलता है ये। ये देख रहा जितने भी यहाँ पर कूदने वाला है, जैसे मैं आपको दिखाया था बेनिया पार्किंग में, ये देखिए यहाँ से कूदने वाला है। चलिए अब चलते हैं, आपको जो नमस्ते स्टैचू बनाया गया वहाँ चल के दिखाते हैं चल के। और ये देख सकते हैं कि ये बाढ़ के समय टूट गया, जो लोहा बनाया गया CNG स्टेशन के सपोर्ट के लिए, वो टूट जाता है ये बाढ़ में। देखिए इतना तेज बाढ़ था कि बाढ़ की वजह से ये लोहा टूट गया, बोल्टिंग किया गया वहाँ पे। देखिए यहाँ पे MP थिएटर ही बनाया गया है, ये मंच है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें पौधे हटा दिए गए थे बाढ़ के समय, लेकिन पूरे पौधे लगे। देखिए इस साइड में भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पौधे लगाए गए इस साइड में भी। और वहाँ पे नमो घाट थे, वहाँ पे बोर्ड लग गया स्मार्ट सिटी के तहत। चलिए पास से दिखाता हूँ कि ये देखिए अपन नमो घाट, ये बोर्ड लगाया गया, अभी साइन बोर्ड है ये। हाँ वो तो है, हम जान रहे हैं। इंडियन ऑयल फाउंडेशन, वहाँ से स्मार्ट सिटी। फाइनली हम लोग आ गए, ये आप देख सकते हैं इधर इस साइड में है आपका नमस्ते स्टैचू, उस साइड में आ गया हूँ मैं। और पास चल के दिखाता हूँ, आगे चल के वीडियो समाप्त करता हूँ, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से बाढ़ के समय ये भी थोड़ा सा ही बचा था खाली देखने के लिए, जबकि पूरा डूब गया था। ये भी थोड़ा सा खाली बस दिख रहा था, इतना डूब गया, इतना आधा था डूब गया था, खाली हाथ दिख रहा था बस। अब 75 फीट का एक स्टैचू बनने वाला है उस तरफ नमो घाट फेस टू पर, जो काम चल रहा है उधर भी होने बनने वाला है। चलिए पहले आपको मैं इस साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं ना, ये थोड़ा धूप पड़ रहा है, वीडियो वाली आ रही है थोड़ी सी, तो मैं वाइड एंगल से दिखा रहा हूँ। ये देखिए एकदम क्लियर वीडियो आ रही है एकदम। अब देखिए पूरा घाट कैप्चर कर रहा, वाइड एंगल कर दिया हूँ तो। ये देखिए बोर्ड भी लगाया, गोवर्धन पूजा समिति, मॉर्निंग में तो इतनी कम भीड़ है, लेकिन शाम होते हुए तो देखिए कितनी गजब भीड़ होगी यहाँ पे। ये देखिए इधर आ गए हम लोग, अब इस साइड में। नरेंद्र मोदी जी का बोर्ड लगा है यहाँ पे। यहाँ पे लग रहा है दुकान वगैरह लग रहा, कुछ थोड़ा बहुत खुलेगा क्या लगता है, ये कमेंट करके बताइएगा। या हो सकता है पार्किंग वगैरह का कुछ रहे, या देखिए क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए कि यहाँ बना हुआ है इस साइड में भी। तो ये था, मैं आपको फेज 1 का दिखाया हूँ यहाँ पे नमो घाट का। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बाहर से हैं वो भी देख पाएंगे नमो घाट।